हाय, आई एम किरण शापुरी एंड ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं बैलेंस एंड प्रोस्पैरिटी बिगिंस। और देखिए, प्रोस्पैरिटी बिगिंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में होने की बात करता है। और देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रोस्पैरिटी का कार्ड है तो कहीं फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक नई बिगिनिंग अगेन या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और ये बिगिनिंग हो सकता है किसी लेवल पे, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी आपकी लाइफ में ला रही है। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड कहता है कि बहुत ही सब्र, बहुत ही पेशेंस के साथ आप हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं, एक बैलेंस रखना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत कॉशियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम कोई भी चीज़ ना करें। आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड गोल, अपने डिज़ायर्ड आउटकम को पाने के लिए। और देखिए, इन द प्रोसेस कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ एडजस्टमेंट्स अगर करने पड़े तो वो भी आप करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ये एडजस्टमेंट्स एक सक्सेस ही आपके लिए लाते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, कुछ पाइसेस के लिए बैलेंस का कार्ड हो सकता है गाइडेंस भी दे रहा है कि अगेन बैलेंस तरीके से ही आप चीज़ों को डील करें। कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम ना करें, इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। और देखिए, यस, प्रॉस्पैरिटी बिगिंस का कार्ड कहता है कि अगेन या तो एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है या फिर एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आप लाना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं फोर ऑफ कप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। और देखिए, फोर ऑफ कप्स का कार्ड कहीं इमोशनली लो फील करने की बात करता है, कहीं बहुत एक बॉर्डम, बहुत एक मोनोटनस एनर्जीज में रहने की बात करता है, जहाँ पे होता है ना कि हमारे आसपास सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है, लेकिन हम किसी भी चीज़ को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, हम कहीं बैक सीट ले रहे हैं। और देखिए, इसके लिए सब पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड कहता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज मन ही मन किसी चीज़ के लिए चलती हुई दिख रही हैं, या फिर पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत एफर्ट किया, मेहनत करी। इस वीक कहीं एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल रहा है, और इसीलिए एक हार आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज आप नहीं महसूस कर रहे हैं। कहीं आपको मन ही मन लग सकता है कि वो इतना फेयर आपके साथ नहीं हो रहे हैं, कहीं किसी तरीके का इनजस्टिस या फिर से मैं कहूँगी एक अनफेयर एनर्जीज भी किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल आप महसूस कर रहे हैं, या फिर पीछे किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को आपने मिस किया। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, यहाँ पे ब्रॉडली स्पीकिंग फोर ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं। और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है पाइसेस कि जितनी जल्दी हो सके इन्हीं एनर्जी से आप अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि क्या होता है ना, ये एनर्जीज दलदल की तरह होती हैं, और जब हम बहुत टाइम तक एक ही ऐसे नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं तो हम उसी में ही इतने डीप चले जाते हैं
कि फिर चाह कर भी हम बाहर अपने आप को नहीं निकाल पाते हैं। देखिए इंग्लिश में एक कहावत भी है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। जब छोटी मोटी चीजें होती हैं उनको हम वहीं पे ही ठीक कर लेते हैं, तब उनको बड़ा होने से हम रोक लेते हैं। ऐसे ही जब भी हमें लगे कि हम लो एनर्जीज में हैं, तो तुरंत ही हमें किसी भी तरीके का फन, मजा, मस्ती जरूर अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो इन एनर्जी से भी हम बाहर अपने आप को निकाल पाते हैं। और देखिए आपने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी भी जब आपका मूड बहुत अच्छा नहीं होता है और आपका कोई लवगन बोलता है चलो बाहर घूम के आते हैं, तो आप उनको मना कर देते हैं क्योंकि आप दूसरे जोन में होते हैं, आपका मन ही नहीं कर रहा होता है। लेकिन अगर आपका लवगन आपसे बहुत फोर्स करके आपको बाहर ले जाता है तो आप थोड़ी देर बाद उसको यही कहते हैं, अच्छा हुआ आपने जिद करके हमें बाहर ले आए क्योंकि बाहर आके अच्छा लग रहा है। तो देखिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उस एनर्जी में से फोर्सफुली आपको बाहर निकाला और आप बाहर निकल गए। तो इसी तरीके से देखिए इन एनर्जीज में से कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने आप को फोर्स करके बाहर निकालना पड़ता है। और ये फोर्स हम कर पाते हैं, यानी कि ये पुश अगर हम अपने आप को कर पाते हैं तो हम बहुत आसानी से इनसे बाहर निकल जाते हैं। और इसी चीज का ख्याल इस वीक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए अवेटिंग रिजल्ट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ आप चीज़ों को डील करें। और हो सकता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप कर रहे हैं, तो इस इंतज़ार के पीरियड को आप कैसे इंजॉय कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करें, आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान ना हों। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।